हॉलीवुड फिल्मों का क्रेज इंडिया में जबरदस्त है और फिल्म हो टॉम क्रूज की तो फिर बात ही क्या। इंडिया में लोग टॉम क्रूज के दीवाने हैं। टॉम क्रूज की कोई फिल्म हो तो लोग बेसब्री से फिल्म का इंतजार करते हैं। टॉम क्रूज की मिशन इम्पॉसिबल फॉलआउट ये हॉलीवुड फिल्म की धमाकेदार एक्शन सीरीज है जिसने सिर्फ विदेशों में ही नहीं बल्कि भारत में भी धूम मचाई है। मिशन इम्पॉसिबल फॉलआउट इस सीरीज की छठी फिल्म है। दुनिया भर में ये फिल्म 26 जुलाई को रिलीज हो रही है और इंडिया में ये फिल्म 27 जुलाई को रिलीज होगी। टॉम क्रूज की जबरदस्त फैन फॉलोइंग के चलते इस फिल्म की एडवांस बुकिंग भी शुरू हो चुकी है और ट्रेड एक्सपर्ट्स की माने तो ये फिल्म 10 करोड़ की धमाकेदार ओपनिंग दे सकती है और ये हॉलीवुड फिल्म ओपनिंग के मामले में बॉलीवुड की कई फिल्मों के रिकॉर्ड ब्रेक कर सकती है। बैडमैन, रेड और वीर द वेडिंग जैसी फिल्मों के ओपनिंग डे कलेक्शन को ये फिल्म आराम से पीछे छोड़ देगी क्योंकि मिशन इम्पॉसिबल सीरीज की पिछली फिल्म ने इंडियन बॉक्स ऑफिस पर 8 करोड़ की ओपनिंग दी थी। इसे देखते हुए इस बार और भी ज्यादा उम्मीदें लगाई जा रही हैं। इस बार मिशन इम्पॉसिबल फॉलआउट में जासूस इथन काफी मुसीबतों से घिरे नजर आएंगे। इस बार का मिशन सबसे ज्यादा खतरनाक बताया जा रहा है। मिशन इम्पॉसिबल सीरीज की ये पहली फिल्म है जिसकी शूटिंग रियल 3D में हुई है और हॉलीवुड फिल्मों के लिए ऑडियंस के बढ़ते क्रेज को देखते हुए कहना गलत नहीं होगा कि टॉम क्रूज की ये फिल्म धमाल मचाने के लिए तैयार है। इस साल रिलीज हुई हॉलीवुड फिल्म एवेंजर्स इन्फिनिटी वॉर ने इंडिया में 200 करोड़ की कमाई की थी, तो इस आंकड़े को देखने के बाद ये देखना दिलचस्प होगा कि मिशन इम्पॉसिबल 6 कितनी कमाई करने में कामयाब होती है। वैसे आप मिशन इम्पॉसिबल फॉलआउट देखने के लिए कितने एक्साइटेड हैं? हमें कमेंट करके जरूर बताएं।